So the first thinker in your syllabus is Karl Marx. As we have discussed yesterday, he belongs to an, or he was, he founded the conflict perspective during 19th century. Conflict perspective during 19th century. And he developed an alternative view of understanding society. कि society को कैसे समझना है उसका एक alternative view he developed, which was radical in nature in a way, जो radical था, है ना, बिल्कुल different था जो. He was a macro sociologist, born in Germany, and he belonged to the German. He was intellectually groomed in German idealist tradition. Can you remember? Idealism, German idealism. हमने किया था एक बार non-positivism में. But he left that tradition and he developed his own philosophy, which was radically different from what was believed in Germany at that time. वो हम देखेंगे क्या है क्या नहीं, किस तरह से वो डिफरेंट था. एंड हिज मेजर कंसर्न एज वी हैव डिस्कस्ड वाज फॉर द हैव नॉट्स, दैट इज पीपल हु आर एक्सप्लॉयटेड, पीपल हु आर डिप्राइव्ड, पीपल हु आर पुअर. सो हिज मेन कंसर्न वाज द टू स्टडी एंड टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज प्रेजेंट इन सोसाइटी. कि वाई इन स्पाइट ऑफ वेलफेयर स्टेट, why in spite of enlightenment, renaissance, equality, freedom, why still there is a huge section in society which is exploited, why that section is not having access to resources. So that was his major concern, which can be seen in all his theories and which can be clearly coordinated with the kind of futuristic conception he had in his mind, ki future mein society kaise hogi. And in the end, we have also seen that clearly he said that I am not a sociologist, because at that time sociology was just coming into existence and there were a lot of people who did not believe in the feasibility of this discipline that we have seen earlier also. So he preferred to call himself philosopher, political scientist or economist, but rather not sociologist. But we have seen that his theories have been studied most frequently in sociology only, and he is acknowledged and treated as a sociologist nowadays, hai na. To Marx the economist nahi kehte hain, Marx the philosopher keh sakte hain, Marx the sociologist keh sakte hain. Ab Marx ko as a political scientist, political science mein log padhte hain, lekin he is not a political scientist, theek hai na, usko nahi mante wo, aur bahut log hain unke. Yes. नहीं, क्लासिकल इट इज इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि अगर उसकी कन्फ्लिक्ट अप्रोच पे आप देखो ना, जब अप्रोच की बात करते हैं तो अप्रोच बहुत लेटर ऑन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में आई. वो आई मॉडर्न टाइम में आफ्टर हिज डेथ. जो ये कहते हैं हम कि मार्क्स हैड अ कन्फ्लिक्ट अप्रोच, ये जो मार्क्स के टाइम पे थोड़ी था कुछ ऐसा. मार्क्स ने तो किताबें लिख दी, उसने अपनी किताबों में कोई क्लेम थोड़ी किया कि आई एम हैविंग अ आई फाउंडेड द कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव. नो, उसकी बुक्स में तो उसके व्यूज अबाउट सोसाइटी हैं, व्यूज अबाउट इंडिविजुअल हैं, सोसाइटी में क्या हो रहा है उसके व्यूज हैं. उसकी बुक में कहीं नहीं लिखा कि आई एम द फाउंडर ऑफ कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव. नो, ये कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की जो कंसेप्शन है कब आई? आफ्टर मार्क्स, ड्यूरिंग ड्रुकिम वेबर, जब ये फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में हम, इट विल बी आंसर्ड. ठीक है ना, समझ आ गई बात थोड़ी सी वैसे, राइट? चलो जी, लिखो जी. अब देखो, कोई भी थिंकर जब हम समझते हैं ना, राइट, एवरी थिंकर डेवलप्स व्यूज ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन अजम्पशंस. हम अज्यूम करते हैं कुछ चीज़ें, तभी हम सपोज आप सी, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, इज इट ट्रू और इज इट एन अजम्पशन? है ये अजम्पशन है जिसको आप ट्रू मान रहे हो, बिकॉज लॉजिकली आपको मैं ह्यूमन बींग लगता हूं,
हो सकता है मैं कोई यहाँ से बटन दबाऊँ, मैं कुछ और ही बन जाऊँ, एक बात है, बट लॉजिकल लेवल पे आप अपनी कोग्निशन एबिलिटीज़ के बेसिस पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आई एम ए ह्यूमन बींग, इट्स ट्रू. तो एवरी थिंकर स्टार्ट्स विद सम अजम्पशंस अबाउट द अंडरस्टैंडिंग विच ही और शी एम्स एट डिवेलपिंग, ठीक है ना. और अजम्पशंस के बिना कुछ भी बात नहीं होती, बिना अजम्पशंस के कोई थ्योरेटिकल वर्ल्ड व्यू नहीं बन सकता. ये साइड पे लिख लो आप लाइन मार के, थिंकर्स में आपने साइड पे लाइन जरूर छोड़नी है, बिकॉज बाद में छोटी छोटी चीजें कमेंट्स ऐड होते जाएंगे, मार्जिन जरूर छोड़ना है आपको, है ना. तो आप लिखोगे एक जस्ट एक बात है, धीरे धीरे आपका इंटेलेक्चुअल बेस बन जाएगा ना, कि विदाउट अजम्पशंस या अजम्पशंस मेक पॉसिबल द वर्ल्ड व्यू ऑफ ए थिंकर. इट क्लेरिफाइज और इट हाईलाइट्स द लाइन ऑफ थॉट कि किस तरफ जा रहा है थिंकर. किस तरफ थिंकर जा रहा है, इन विच डायरेक्शन थिंकर इज गोइंग. इसे किस चीज से पता लगता है, अजम्पशन से. सपोज कोई व्यक्ति आपको अपनी थ्योरी बतौलता है तो आप उसको कह सकते हो कि बेटा योर अजम्पशंस, राइट. जैसे मार्क्स, लिखो जी, मार्क्स स्टार्ट्स his understanding of society with an assumption. उसकी सारी जो थ्योरी है वो एक assumption से start होती है और पूरी उसकी intellectual जो world view है, उसका पूरी जो सोच है, जो उसके अगले 50 साल की सोच है, ultimately start एक simple sentence से होती है, ठीक है ना. So he will be making lot of assumptions here. तो अगर if you doubt or if you Do not accept any assumption कि वो गलत है तो आप मुझे बोलोगे, है ना. थिंकर यही कहता है कि देखो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, आपको गलत लगते तो बोलो आप, बट अगर आपको ठीक लग रहा है तो चलो आगे. तो ही स्टार्टेड विद एन अजम्पशन, ही स्टेटेड विद इन कोट्स, ही स्टेटेड विद इन कोट्स, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इन ऑर्डर टू सर्वाइव मैन मस्ट प्रोड्यूस. ये बात ठीक है गलत है, अभी अजम्पशन है. अब आप इसको करोगे सर ये क्या अजम्पशन है, प्रोड्यूस तो करना ही पड़ेगा तभी तो हम सर्वाइव करेंगे. अगर कपड़े प्रोड्यूस नहीं करेंगे, खाना प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे. तो ये एक बड़ी रियलिस्टिक अजम्पशन है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव मैन मस्ट प्रोड्यूस, फुल स्टॉप. प्रोडक्शन इज असेंशियल टू हिज एग्जिस्टेंस. ये मार्क्स ऐसे लिखता है. मेरे लेक्चर्स में थोड़ा सा एक एलिमेंट ये आपको दिखेगा जो डिफरेंट है. आई टेंड टू टेक फ्यू सेंटेंसेस फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट. तो वो एक्चुअली आपको नहीं पता लगेगा कि ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है, मुझे पता है. और किसको पता है, एग्जामिनर को पता है, यूपीएससी वाले को, स्टेट वाले को नहीं. यूपीएससी वाले एग्जामिनर को पता है, अच्छा ये लिखा है, तो इमीडिएटली घंटी बजती है कि ये तो कहीं है ही नहीं सेंटेंस, ये तो है ही ओरिजिनल टेक्स्ट का है. तो दैट एड्स वैल्यू टू द आंसर. लेकिन मैं हर बार आपको बताऊंगा ना कि यार ये दुर्खिम का ओरिजिनल टेक्स्ट का है या ये वेबर के ओरिजिनल टेक्स्ट का है. वो मेरे, दिस इज माय स्ट्रेटजी एंड दैट इज हाउ यू गेट मार्क्स. ये हिडन होता है. तो आप थोड़े बहुत सेंटेंस जो मैं कहूँ ये इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन कर लो, तो समझ लो कि वो मेंशन करना है पेपर में आपने. तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव मैन मस्ट प्रोड्यूस, प्रोडक्शन इज असेंशियल टू हिज एग्जिस्टेंस. ये सेंटेंस मार्क्स का है, प्रोडक्शन इज एसेंशियल टू हिज एग्जिस्टेंस. ठीक है जी. अब नेक्स्ट लॉजिक क्या है कि प्रोडक्शन किस पर्पस के लिए, वो तो ठीक है, सर्वाइवल क्यों होगा, सिंपल सी बात है. ठीक है, उसने कहा प्रोडक्शन इज सर्वाइवल के लिए, वो तो एक ब्रॉड सेंटेंस है. तो लेकिन हम जब कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो क्यों करते हैं, इट इज नेसेसरी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन नीड्स. नीड्स को विद इन कोट्स में डाल के अंडरलाइन मार दो. वो कहता है कि हम जब प्रोड्यूस करते हैं तो हमें कुछ अपनी नीड्स फुलफिल करनी होती हैं अल्टीमेटली. है बात ठीक है कि हमें अपनी कुछ, फुल स्टॉप. देर आर सर्टन बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोदिंग,
शेल्टर एटसेट्रा, हमें घर बनाना पड़ता है, घर प्रोड्यूस करना पड़ता है, खाना प्रोड्यूस करना पड़ता है, कपड़े प्रोड्यूस करना पड़ता है, देयर आर सर्टन बेसिक नीड्स लाइक फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर,